तो अच्छा जी अभी ये लाइव है अभी सेशन लाइव हो ठीक है ओके तो क्योंकि हमारा जो एग्जाम है वो बहुत करीब है डिले होने के रूमर्स हैं बट आ, कुछ भी यू नो इट इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल एफ पी एस सी एंड पीपीएससी ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल इंस्टीट्यूट है तो बिल्कुल रिलैक्स होने की भी जरूरत नहीं हो सकता है डिले हो जाए हो सकता है ना डिले हो लेकिन ये जो हमारा सेशन होगा ये वन मंथ का होगा और हम इसी वन मंथ में ना सिर्फ अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको फिल्टर करके उनके हम मॉक टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे और इवेल्युएशन भी आपके साथ ही हो जाएगी ठीक है बाद में अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहें वीक वाली फौरन सेशन के बाद तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं वरना सेशन के दौरान ही बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं प्रीवियस बैचेस से भी जो उसी सेशन के अंदर इसके फुल प्रिपरेशन करना चाह रहे होते हैं तो उस उस सेशन का ही आप फायदा उठाते हुए उसी में मैक्सिमम एवेलुएशन करवा सकते हैं क्वेश्चंस लिख के मुझे चेक करवा सकते हैं टेस्ट दे सकते हैं तो फिर अलग से टेस्ट सीरीज Attend करने करने की की भी भी कोई ज़रूरत नहीं होती है ठीक अच्छा तो अभी सबसे पहले क्योंकि जो मेरी, uh, last हमारी जो था, जो मेरी मेरी हमारी था 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 हमारा उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया था, मेरी पूरी क्लास इसी पे थी कि बेसिकली है क्या वट इज साइंस और साइंस क्या है ये एक अलग चीज है नो आई कांट रिपीट दैट थिंग अक्सर अगर आप सब्जेक्ट के थीम पे चले जाएंगे बेसिक्स पे चले जाएंगे तो ये लेक्चर भी उसी पे हो जाएगा तो फिर हम सेम टॉपिक्स पे टॉपिक रिपीट नहीं कर सकते मोर ओवर हमारा जो लास्ट लेक्चर है वो हमारा रिकॉर्डेड अवेलेबल है ना uh, किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर वो रिकॉर्डेड अवेलेबल है तो उसका लिंक यहाँ पे शेयर कर दें आप इस डेमो लेक्चर के बाद उस लिंक को ओपन कीजिएगा वो लेक्चर वहां से अच्छा यू आर आस्किंग अबाउट द टेस्ट हाँ दैट्स नॉट ए बिग डील आप सेशन के बाद टेस्ट दे लेना ठीक है हाँ ये अभी लिंक शेयर किया है तो यूट्यूब पे हमारा जो रिकॉर्डेड लेक्चर है जो लास्ट टाइम ओ लेक्चर है फर्स्ट टाइम ओ लेक्चर है वो अवेलेबल अब वहाँ से ही आप सारा कुछ देख लीजिएगा ठीक है so, सो मैं इस सेशन में सिर्फ यही फोकस करूंगी कि हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं

For CSS preparation in in international relations, Pakistan affairs, current affairs, current general science and ability, and ability, essay writing, These are also very important. important लेकिन ये सब आपको last time लेक्चर से भी मिल जाएंगे इसके अलावा मेरी बहुत सारी लेक्चर सीरीज hain study river के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे भी और मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे भी जहाँ पे आपको ये छोटे छोटे सारे पांच पांच दस दस मिनट के वीडियोज हैं ये सब चीजें मिल जाएंगे इन्वायरमेंटल साइंस का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन की तरफ आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए ठीक है इसमें साइंस का जो इन्वायरमेंटलिट फैक्ट्स है मेरी वॉइस में डिस्टॉर्शन है आई थिंक दानिश आप आपकी तरफ इंटरनेट इश्यू होगा आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करें या फिर लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लें ठीक है अच्छा इसके अलावा ये सारी चीज़ें हम अपने बैच में भी डिस्कस करते रहेंगे लाइक ऑन डेली बेस जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ेंगे तो वो ऐसे नहीं होगा कि हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं वो ऐसे ही होगा कि हम पूरा वो इशू स्टडी कर रहे हैं सोशो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में कंटेक्चुअल स्टडी uh, किसी भी टॉपिक की बहुत इंपॉर्टेंट होती है सी प्रिपरेशन के लिए तयबा हफीज ही है उसका नेम भी तो उसमें फिर हम उसको बिल्कुल ऐसे ही देखेंगे कि हम उस टॉपिक को कैसे अप्रोच करते हैं उसमें से क्वेश्चन कौन सा आ सकता है बिल्कुल ऐसे ही होगा कि हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं और उस टॉपिक से रिलेटेड क्या इकोनॉमिक सिनेरियो है एट नेशनल लेवल एंड एट इंटरनेशनल लेवल एंड हाउ यू विल रिकमेंड अ पॉलिसी पॉलिसी अप्रोच क्या होगी उस इशू की तरफ फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्मोक की बात करते हैं शेयर द स्क्रीन स्क्रीन विजिबल है सबको अच्छा अगर हम स्मोक की बात करते हैं तो स्मोक जो है ये एक इशू है ठीक है बेसिकली ये एयर पोल्यूशन है इट इज अ फॉर्म ऑफ एयर पोल्यूशन इसको हम डिटेल अपने बैच में पढ़ेंगे अब आजकल आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा लाहौर इश्यू है स्मोक से लाहौर स्मोक इज वेरी फेमस अक्रॉस द रीजन एंड अक्रॉस द बॉर्डर मतलब ग्लोबली भी लाहौर स्मोक पे बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं अभी आजकल पूरा इंटरनेशनल मीडिया इंटरनेशनल कम्युनिटी वो ये लाहौर के पीछे पड़े हुए हैं और हर साल विंटर में लाहौर को मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड डिक्लेयर कर दिया जाता है मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल इन द वर्ल्ड इज दिल्ली Uh, लेकिन अगर सिटी देखें तो लाहौर बिकॉज लाहौर इज नॉट द कैपिटल आई सी टी इज द कैपिटल सो ये मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड डिक्लेयर हो चुका है अगेन इस साल द रीजन इज स्मोक अब स्मोक इट इज यू नो एंड ये प्योरली एयर पोल्यूशन का एक इशू है पोल्यूशन बहुत ज्यादा है लाहौर में बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑन द रोड इंडस्ट्रियल इमिशन खास तौर पर बर्निंग ऑफ एग्रीकल्चरल रेजिड्यूस uh, जो क्रॉप रेजिड्यूस होते हैं यू you नो know, ये हमारा बॉर्डर है ना तो इस तरफ इंडिया है और इस तरफ है पाकिस्तान अब इशू ये है कि जो पंजाब है वो कॉमन है डिवीजन तो बाद में हुई ना सो so बेसिकली इस तरफ है पाकिस्तानी पंजाब और इस तरफ है इंडियन पंजाब ठीक है अब जो बॉर्डर पे सिटी है दैट इज लाहौर बट लाहौर इज द हब ऑफ फूड सिक्योरिटी और ये जो पूरा रीजन है जो सेंट्रल पंजाब है ये हब ऑफ एग्रीकल्चर है इन इंडिया एंड इन पाकिस्तान यहाँ पे क्या होता है जैसे ही कल्टिवेशन ऑफ द क्रॉप होती है uh, उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है उसके बाद फार्मर्स जो हैं क्रॉप रेजिडी उसको आग लगा देते हैं तो बर्निंग स्टार्ट हो जाती है उससे बहुत ज्यादा इमिशन होती है उसके बाद स्मोक स्टार्ट हो जाती है फिर ट्रैफिक इमिशंस भी हैं इंडस्ट्रियल इमिशन भी हैं और पाकिस्तान और इंडिया दोनों ब्लेम गेम पे चल रहे होते हैं मतलब बहुत सारी न्यूज पेपर में फिर कॉलम्स आ रहे होते हैं कि इंडियन फार्मर्स ने इतनी बर्निंग ऑफ क्रॉप क्रॉपीड्यूस की तो पाकिस्तान वाले तरफ स्मोक हो गई और पाकिस्तानी फार्मर्स के क्रॉप बर्निंग की, की वजह से इंडियन साइड पे लेकिन दोनों कंट्रीज मिलके कुछ करेंगे नहीं इसके लिए सो so, अब ये स्मोक जो है लेकिन ये फिर बाद में एक इन्वायरमेंटल इशू ट्रांसलेट हो जाता है इन सोशियो इकोनमिक इशू कैसे अभी देख लें आप इसकी वजह से पूरा शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाता है वीकेंड्स थ्री डेज के हो जाते हैं क्योंकि आप नहीं निकल सकते इतने स्मोक में नहीं निकल सकते ये जहर है आप इसको इनहेल ही नहीं कर सकते इसके बायो प्रोडक्ट में ओ थ्री है दैट इज ओजोन जो कि आपके लोअर एटमोसफेयर में आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते मतलब यू कांट इनहेल ओजोन ओजोन आपके लिए अपर एटमोसफेयर में ही अच्छी है जहां पे वो अल्ट्रावाट रेडिएशन को स्टॉप कर रही है या फिल्टर आउट कर रही है ये एक केमिकल है O3 मॉलिक्यूल है अगर आप इसको नीचे वाली एयर में जहां पे हम रहते हैं हम सांस लेते हैं उस एयर की कॉम्पोजिशन में सिर्फ ऑक्सीजन है N2 है लिटिल बिट कार्बन डाइऑक्साइड है वाटर वेपर्स है अगर आप इसके साथ मिक्स कर देंगे O3 को तो ये डिजास्टर रेसिपी है आप इसको इनहेल नहीं कर सकते ये आपको ये बिल्कुल जस्ट लाइक यू नो मर्डर हो रहा है तो अपने बच्चों को आप स्मोक इनहेल नहीं करवा सकते आपके डेली वेजर्स हैं uh, ये सब चीजें होती हैं अच्छा वीकेंड थ्री डेज के हो जाएंगे आपका एजुकेशन सिस्टम बहुत डिस्टर्ब होगा फिर हेल्थ इंपैक्ट्स स्मोक के बहुत ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी सेवन बाय सेवन इयर्स रिड्यूस हो चुकी है लाहौर में रहने वाले लोगों की ये इंटरनेशनल रिपोर्ट uh, ने और मीडिया ने डिक्लेयर कर दिया है अच्छा इसके अलावा जो आपके डेली वेजर्स हैं उनमें सबसे ज्यादा डेथ एस्थमा, इशूस, इशूस, 60 नहीं कर सकते वीकेंट नहीं ले सकते उन्होंने बाहर जाना है रोजी रो रोटी कमानी है तो अपना गुजारा करना है इसके अलावा बर्डन ऑन द हॉस्पिटल आप देख लें कि ये आपका जो सर्विस हॉस्पिटल है गंगाराम हॉस्पिटल है लाहौर में इसमें अलीहदा से स्मोक डेस्क बनाए जाते हैं वो गवर्नमेंट का फिर इन कैंपेन्स पे और

दिस इज हाउ वेस्ट ऑफ रिसोर्सिस इतना होता है पाकिस्तान में और इतने एजुकेटेड इलिटरेट गवर्नमेंट में हमारे पॉलिसी मेकरस बैठे हैं कि उनको पता ही नहीं कि इशू क्या है और उसको टैकल कैसे करना है आर्टिफिशियल रेन हम नहीं करवा सकते हम अफोर्ड नहीं कर सकते कुछ थोड़े थोड़ा बहुत लेवल पर होती है लेकिन उस तरह से नहीं अभी गवर्नमेंट का एक वक्त बन रहा है बेस लोगों का जो चाइना जाएगा सिर्फ ये सीखने और समझने कि आर्टिफिशियल रेन क्या होती है आर्टिफिशियल रेन के क्या बेनिफिट्स हैं आर्टिफिशियल रेन करवा के हम स्मोक को कैसे रेडिकेट करेंगे और इसके लिए हमें कितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए कितना बजट चाहिए और इसके लिए हमें थोड़ी सी हमारी मदद भी कर दे ये अभी प्रिपेयर हो रहा है एक डेलीगेशन जिसको अभी चाइना जाना है वहाँ पे कोई पंद्रह वो गुजारेंगे उनसे डिस्कशन करके, फिर वापस आएंगे और फिर शायद ये आर्टिफिशियल रेन करवाएं लाहौर में टू यू नो रिड्यूस द द सिचुएशन या टू स्टेबलाइज एयर क्वालिटी इन द लाहौर अब ये स्मोग का इशू एंटायरली आपका सोशियो इकोनॉमिक इशू है जिसपे Cost, इतने हेल्थ इम्पैक्ट इतने इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स और ये अक्रॉस द बॉर्डर है अच्छा जब हम इसके सोल्यूशन की तरफ जाएंगे ना बच्चों फिर सोलूशन में आप नेशनल लेवल पे सिर्फ सोल्यूशन लेके स्मोक को खत्म नहीं कर सकते फिर आपको कोलेबोरेशन करने पड़ती हैं फिर आपको रीजनल एग्रीमेंट्स में जाना पड़ता है फिर आपको इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स में जाना पड़ता है फिर आपको इन्वामेंटल गवर्नेंस का फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश करना पड़ता है फिर पॉलिसीज इंट्रोड्यूस होती हैं फिर इंप्लीमेंटेशन उसके लिए भी फिर आपको इंटरनेशनल लॉज एक्ट्स पॉलिसीज एग्रीमेंट्स लाइक कॉप ये सब कंसिडर करना पड़ता है दिस इज द क्रक्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंस के बेसिकली आप इनिशियली एक छोटे से एनवायरमेंटल इशू को डिस्कस करते हैं लेकिन उसको सिर्फ उसके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करके आप उसको इंटायरली सोशियो इकोनॉमिक डोमेन में ही आपको डिस्कस करना है और इंटायरली सोशियो इकोनॉमिक डोमेन में ही उसको अंडरस्टैंड करना है दैट इज द यूनिक पार्ट ऑफ द environmental sciences आपको ऐसा ही लगेगा कि आप करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको ऐसे के लिए भी बहुत अच्छा मटेरियल मिलेगा और पाकिस्तान अफेयर्स के लिए भी इट इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इसमें बहुत ज्यादा मार्क्स आते हैं और इसी वजह से इसके

अच्छा अभी मैं आपके क्वेश्चन ले लेती हूँ फिर हम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स की तरफ जाएंगे अच्छा जी ड्यूरेशन होगी वन मंथ क्या क्या क्वेश्चन ये सब रिसोर्सेज मैंने लास्ट टाइम लेक्चर में बताए हैं और बहुत डिटेल में बताए हैं हाउ मेनी मॉक टेस्ट एक मॉक टेस्ट फुल फ्लेज सिलेबस का इंक्लूडेड है इस सेशन में जो कि लास्ट में होगा कोर्स वही है जो आपका एफ का सिलेबस है कंप्लीट एट चैप्टर्स है उसमें ठीक है वो हम कंप्लीट करेंगे और बाद में एक फुल फ्लेज आपका मॉक पेपर हो जाएगा ड्यूरिंग द कोर्स जब आपके दो से तीन चैप्टर्स कंप्लीट हो जाया करेंगे तो एक टेस्ट हम कंडक्ट कर लिया करेंगे ठीक है क्या किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट किया है विथ आर्टिकल एंड रिसर्च पेपर ये सारी वेबसाइट्स ये सब भी मैंने लास्ट टाइम लेक्चर में बच्चों बताया और बहुत डिटेल में बताया है। बाकी मैं आपको सेशन में साथ साथ बताऊंगी ठीक है वन मंथ ड्यूरेशन विच फोर चैप्टर्स बता रही हूँ अभी बताती हूँ एम सी क्यूज प्रिपेयर करने का मेथड भी एम सी क्यूज की मेरे पास अपनी फाइल्स हैं जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी इसके अलावा एक एमसी की बुक है वो आपको बता दूंगी और बाकी जब आप सिलेबस तैयार करते हैं तो आपके MCQS साथ साथ हो जाते हैं ये सारी चीजें दोबारा डिस्कस नहीं हो सकती क्योंकि लास्ट टाइम दो डेढ़ दो घंटे का लेक्चर था जिसमें ये सारी चीजें डिस्कस हुई थी ठीक है तो आप प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएं वहां पे लास्ट टाइम लेक्चर अवेलेबल है लिंक आपको दे दिया गया है चैट बॉक्स में आप उसको इस लेक्चर के बाद स्पीड पे लगा के सुन सकते हैं ठीक है थीके? वो डेढ़ घंटे का था आप पैंतीस से चालीस मिनट में उसको सुन लीजिएगा स्पीड पे लगा के नो सिलेबस इज नॉट लेंथी एट ऑल अभी मैं हम सिलेबस से डिस्कस करेंगे वो लेक्चर किधर अवेलेबल है जिसमें सोर्सेस बताए हैं वो लास्ट टाइम वो लेक्चर है जो हमारे स्टडी रिवर के यूट्यूब, यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है ठीक है ये अभी शेयर कर रहे हैं ना आज प्रीवियस लेक्चर एट ये लिंक है इसको सेव कर लें थोड़ा बहुत वेरिफिकेशन हो सकती है लेकिन मोस्ट ऑफ द जो टॉपिक्स हैं वो कवर हो जाते हैं अच्छा डब्ल्यू एच ओ से भी आपको ये फैक्ट मिल जाएगा आईपीसी से भी आपको इफेक्ट मिल जाएगा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो हर हर साल इशू होता है जो हमारी एयर क्वालिटी रिपोर्ट आती है एवरी ईयर वहां से ये सारे फैक्ट्स आपको मिल जाएंगे ठीक है आज वाली क्लास की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी आई गेस वी आर लाइव राइट नाउ अच्छा जी अभी हम देखेंगे सिलेबस एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इशूज सॉरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अच्छा आप लोगों के पास ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का पेपर है ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का सी एस एस का पेपर ऑफ इनटल साइंस अगर नहीं है तो वो खोलें आप सब लोग गूगल कर लें अपने अपने लैपटॉप्स पे या मोबाइल फोन्स पे गूगल कर लें उसको जरा ओपन ओपन करें नो नोट्स अवेलेबल होंगे मेरे अपने जो नोट्स मैंने इन्वॉर्मेंटल साइंस पे बनाए हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी और साथ में मैं आपको सोर्सेज बताऊंगी कि आपको कहाँ से स्टडी करनी है बच्चों ये सारा मैंने हलवा बना के आपको दे देना है एक्चुअली हर चीज मैं अपने टॉपिक में स्टडी करती हूँ जो भी मैं आपको अगर वेबसाइट भी बताऊंगी अगर मैं कोई आपको इंटरनेशनल रिपोर्ट भी बताऊंगी अगर मैं कोई आर्टिकल भी बताऊंगी तो उन 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 से वेबसाइट से उन, वेब उन इंटरनेशनल से जो डाटा आपको चाहिए होगा वो मैं ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुकी होंगी उसी उसी दिन, उसी दिन टॉपिक पे फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैं स्मोक की बात करी हमारा स्मोक पे टॉपिक चल रहा है आज ठीक है सपोज आज हम स्मोक पढ़ेंगे तो स्मोक स्मोक के टॉपिक को डिस्कस करते हुए मैं आपको सारे फैक्ट्स लिखवा भी दूंगी क्योंकि मैं वो सारी जो स्टडीज होती हैं जो फैक्ट्स होते हैं जो आर्ग्यूमेंट होते हैं जो ओपिनियंस होते हैं जो पॉलिसी रिकमेंडेशन होते हैं वो मैं डिस्कस करती हूं। तो आपको एक कंप्लीट है वो रिसोर्सेज आपको बताऊंगी भी कि यहाँ से जाके ये ये पढ़ लें तो ऑलमोस्ट आपको ऐसे ही लगेगा कि सारी चीजें ऑलरेडी कवर हो चुकी हैं इट मतलब आपको ऐसे लगेगा कि साइंस इज इज द मोस्ट इजिएस्ट सब्जेक्ट्स Uh, जो आपको पूरी जर्नी में फेस करना पड़ेगा डिलीवर इस तरह से होंगे टॉपिक्स ठीक है फ्रॉम फ्रॉम ऑल द द बैकग्राउंड टू करंट सिनेरियो हम बैकग्राउंड से शुरू करेंगे हाउ दिस प्रॉब्लम मतलब ये इश्यू इतना इमर्ज कैसे हो गया रूट कॉजेस क्या है रिपरक क्या है अभी क्या इम्पेक्ट हम फेल रहे हैं स्नोबॉल इफेक्ट क्या हो सकते हैं Uh, हमारे पास एग्जिस्टिंग uh, सोलूशंस क्या हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस पर क्या स्टेप ले रही है हे, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के स्टेप्स हैं उसमें हम क्या एड ऑन कर सकते हैं के स्टडीज कोई एक आधा मैं जरूर आपसे डिस्कस करूंगी के हमारे नेबर कंट्रीज इस पर क्या कर रहे हैं तो एक टॉपिक को हम फ्रॉम ऑल द परसपेक्टिव डिस्कस करेंगे ठीक है तो आपको लेक्चर से ही इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी मोस्ट ऑफ द टाइम आपको फिर ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं होगी अच्छा uh, के के तो वो मैं आपको दे दूंगी और एक जो uh, सर इमरान बशीर हैं उनकी जेडब्ल्यू टी की बुक है उनकी एमसीक्यूज की बुक है, है तो वो उनके एमसीक्यूज की बुक आप ले सकते हैं ठीक है थीके? बाकी जब आप हम, जब मुझसे आप लेक्चर लिया करेंगे डेली तो उसमें आपके बहुत सारे एमसीक्यूज सी प्रिपेयर हो जा करेंगे चलिए कमिंग बैक टू द टॉपिक अभी हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं अच्छा बच्चों ये देखें अगर देखें चैप्टर वन है आपका हिस्ट्री अभी मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स और टॉपिक्स लिखवाऊंगी और ये प्रूव करके हम आपको बताएंगे कि ये क्यों मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स या टॉपिक्स हैं। अच्छा ये ये जो ग्रुप है जहां से ये स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं अब्दुल रहमान अगर कोई ऐसा ग्रुप है तो ये वाला पेपर ग्रुप में भी शेयर कर दें क्योंकि मैं मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स बता के उस पेपर को फिर इससे लिंक करूंगी ठीक है ये लास्ट वाला पेपर ही सिर्फ इंक्लूड नहीं है मेरे पे... पास पेपर एनालिसिस में बाकी सारे पेपर तो इंक्लूड है उसका लिंक हम आपको शेयर कर देंगे वो भी आप देख लीजिएगा चैप्टर वन आपका है हिस्ट्री का अच्छा अब ये जो हिस्ट्री है ये ऐसे बाकी सब्जेक्ट्स की तरह यूएस हिस्ट्री इंडो पाक हिस्ट्री की तरह दो दो तीन तीन सदियों की हिस्ट्री नहीं है ये सिर्फ फिफ्टी इयर्स की हिस्ट्री है वेरी वेरी यूनिक, इंटरेस्टिंग, जिसमें कुछ कॉन्फ्रेंसेस हैं यूएन की और कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो यूएन ने लिए बैक इन 1950, 1970 जब लोगों को ऑल ओवर द वर्ल्ड ये एहसास हुआ कि बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन हो गई है दुनिया में बहुत ज्यादा हेल्थ इम्पैक्ट इसके आ रहे हैं तो फिर एक एनवायरमेंटल मूवमेंट स्टार्ट हुई अक्रॉस द ग्लोब जिस मूवमेंट में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए लेकिन वो इतने इंटेंसिफाई हो गए इंटरनेशनल लेवल पे के वो मूवमेंट सोश सोशल लेवल पे भी हुई पॉलिटिकल लेवल पे भी हुई एनजीओ लेवल पे भी मतलब हर कम्युनिटी ने यूथ ने एन जी ओज ने पोलिटिकल uh, पार्टीज ने उस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया और बहुत सारी नई पॉलिटिकल पार्टीज भी बनी जिनका प्योर पर्पस ये था कि हम इन्वामेंट एनवायरमेंट uh, को अपग्रेड करने के लिए या हेल्थी एनवायरमेंट के लिए कुछ काम करेंगे जिनको ग्रीन पोलिटिकल पार्टीज कहा जाता है तो उस उस मूवमेंट को देखते हुए फिर यूनाइटेड नेशन ने पहली बार हिस्ट्री में 1972 में एक कॉन्फ्रेंस की थी एंड इट वाज़ द फर्स्ट हिस्टोरिकल कॉन्फ्रेंस जो कि प्योरली ह्यूमन एनवायरनमेंट पे थी ठीक है ह्यूमन एनवायरनमेंट पे थी ये कॉन्फ्रेंस और उसके बाद फिर एक सीरीज ऑफ कॉन्फ्रेंसेस हुई और कुछ इंटरनेशनल जो है वो एग्रीमेंट साइन हुए तो ये एक छोटी सी हिस्ट्री है जो बहुत ही यूनिक है ये चैप्टर वन आप हिस्ट्री का पढ़ेंगे अच्छा उसके बाद जो चैप्टर टू है वो आप पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट इश्यूज पे ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट इश्यूज जो हैं ये प्योरली सोशो इकोनॉमिक या करंट बच्चों डोंट वरी मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगी पेपर आपके साथ ठीक है ये सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज हैं अब इस ये बेसिकली डेवलपमेंट के इश्यूज हैं जिसमें पावर्टी पॉपुलेशन ग्रोथ एनर्जी क्राइसिस एग्रीकल्चर के इश्यूज अर्बनाइजेशन फूड इनसिक्योरिटी ये सब टॉपिक्स ऐसे हैं जो प्योरली करंट अफेयर्स के हैं पाकिस्तान अफेयर्स के हैं बट वी विल लिंक दीज टॉपिक्स विद इनवामेंट ठीक है तो हम देखेंगे कि हमारे इन्वामेंट की वजह से ये इशू कैसे हो रहे हैं लाइक like, इन्वायमेंटल रिसोर्सेस को एक्सप्लॉयट करने से फॉसल फ्यूल को यूज़ करने से एनर्जी जो है हम यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन होती है अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है अब क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे ऊपर बहुत इंपेक्ट आ रहे हैं वैदर इवेंट्स एक्सट्रीम वैदर इवेंट्स फ्लड्स ये सब कुछ हो रहा है तो हम किस तरह से हम अपनी एनर्जी को सस्टेनेबल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं सस्टेनेबल एनर्जी अप्रोचेस हमारे पास क्या है एनर्जी कंजर्वेशन की तरफ कैसे जा सकते हैं मेन जो एनर्जी क्राइसिस है उनको हम किस तरह से खत्म कर सकते हैं इसी तरह अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो उसकी वजह से पता है फूड इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है दुनिया में और खासतौर पर पाकिस्तान में पाकिस्तान जो कि एग्रेरियन कंट्री जिसको माना जाता है जो कि राइस में टॉप टेन एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में आता है जिस जहाँ पे मैंगो प्रोडक्शन बहुत अच्छी होती है जिसका मैंगो पूरी दुनिया में जाता है लेकिन पिछले कुछ सालों में हम इस ट्रेंड से निकल गए हैं और द रीजन क्या है क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बिल्कुल अच्छी नहीं हो रही तो क्लाइमेट चेंज की वजह से अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे इतना इम्पैक्ट आ रहा है तो so, फिर क्या है वट इज द वे फॉरवर्ड हाउ वी कैन यू नो मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज हाउ वी कैन एडॉप्ट मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस वट इज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हाउ वी कैन इंश्योर फूड सिक्योरिटी फॉर द जनरेशन टू कम ये सारी चीजें जो हैं लाइक द इंटरलिंक बिटवीन द इनवामेंट एंड द कर टॉपिक्स जो कि सोशियो इकोनॉमिक के टॉपिक्स हैं वो सब हम इस तो, इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड आल्सो वेरी इंफॉर्मेटिव चैप्टर फॉर यू टू यूटिलाइज दिस इंफॉर्मेशन इन अदर सब्जेक्ट्स एज वेल अच्छा चैप्टर थ्री में हम पढ़ेंगे कुछ ब्रांचेज हैं इन्वायरमेंटल साइंसेज की इसमें से कभी भी पेपर नहीं आया एक्सेप्ट एक बार शायद 2015 में या 17 में मुझे याद नहीं एक पांच नंबर पे नोट आया था ठीक है सिर्फ फाइव मार्क्स पे क्योंकि ये बड़ा साइंटिफिक सा टॉपिक है इसमें साइंसेज की कुछ ब्रांचेस हैं उन ब्रांचेस के डेफिनेशन और एप्लीकेशन आपको होनी चाहिए मैं एक ओवरव्यू दे दूंगी इसको अगर आप नहीं भी प्रिपेयर करेंगे तो इट्स ओके कोई इसको हाँ दो में शायद आया था प्रिपेयर करने की ऐसी जरूरत भी नहीं है उसके बाद जनाब चैप्टर फोर है जिसमें हम एनवायरमेंटल पोल्यूशन पढ़ेंगे अच्छा अब ये फिफ्थ स्टैंडर्ड का स्टूडेंट भी पढ़ सकता है सिंपल अच्छा साइंस की एक एक और बात ये है कि चैप्टर में आपको एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ना है मतलब आपको बार बार नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना नई थेरी नहीं पढ़नी आपको एक बार पता चल गया पोल्यूशन क्या है पोल्यूशन क्या है पूरे चैप्टर में आप पोल्यूशन ही पढ़ रहे हैं कोई नया टॉपिक आप नहीं पढ़ेंगे इसमें तीन टाइप्स की पोल्यूशन जिसमें एयर पोल्यूशन है जिसमें लैंड पोल्यूशन है जिसमें वाटर पोल्यूशन है दैट्स इट पूरे चैप्टर में आपको ये पढ़ेंगे और फिर इनके कुछ फॉर्म्स वेरी इजी चैप्टर एज वेल एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर क्योंकि इसी में आप स्मोक पढ़ेंगे इसी में आप यूट्रोफिकेशन पढ़ेंगे जो कि वाटर पोल्यूशन की एक फॉर्म है ठीक है इसी में आप डिसकेशन पढ़ेंगे डिफॉरस्टेशन पढ़ेंगे सो दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ये हर साल पूछे जाते हैं हर साल और ये टॉपिक ये चैप्टर आसान भी बहुत है ठीक है नहीं मेरे पास कोई बुक नहीं मैं किसी बुक से ये चैप्टर नहीं करवाऊंगी मैं आपको जस्ट पढ़ाऊंगी जो मेरा लेक्चर होगा वही मेरी बुक होगा वही मेरे नोट्स होंगे और मैं हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगी ठीक है और मैं बुक्स सजेस्ट भी नहीं करती बुक्स से प्रिपरेशन ऐसा नहीं होती हाँ कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें कुछ बुक्स पढ़नी होती है लेकिन इस तरह के जो शॉर्ट ओपिनियन बेस्ड करंट अफेयर्स और करंट सीनेरियोज में रहते हुए जो चीजें आपको पढ़नी होती है उसके लिए जो ऑथेंटिक सोर्सेज होते हैं वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं जिनका काम ही एक पर्टिकुलर डोमेन पर होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं यू एन डी पी की यू एन डी पी इज यूनाइटेड नेशंस डेवेलपमेंट प्रोग्राम यू एन डी पी इज अ डिपार्टमेंट ऑफ यू एन इट इज वर्किंग अंडर द अम्ब्रेला अच्छा इसका काम क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दैट्स इट जितना भी सेक्टर में डेवलपमेंट का जो काम है या जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं दैट इज़ द एजेंडा ऑफ़ यूएनडीपी अब जो हमारा चैप्टर होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट इश्यूज इस चैप्टर की तैयारी अगर पूरी दुनिया की दुनिया में सबसे अच्छा सोर्स आपको इस चैप्टर के प्रिपरेशन के लिए चाहिए दैट इज यूएनडीपी और इसकी वेबसाइट और इस पे जो इन टॉपिक्स से रिलेटेड आर्टिकल हैं वो और इस वेबसाइट पे जो इन टॉपिक्स से रिलेटेड इंटरनेशनल रिपोर्ट्स पड़ी हैं और जो रीसेंट फैक्ट है बस उससे ज्यादा बेहतर आर्गुमेंट फैक्ट ओपिनियन आपको और कहीं से नहीं मिलेगा सो मैं आपको इस वेबसाइट से कोई एक इंटरनेशनल रिपोर्ट या कोई चार पांच अच्छे आर्टिकल्स और उनकी समरी प्रोवाइड करूंगी कि ये आप पढ़ें। ताकि आपकी बिल्ड हो आपकी ओपिनियन बेस्ड जो कैपेसिटी है वो एनहांस हो ताकि आपका एनालिसिस करने की स्किल्स बिल्ड हो मैं कोई बुक रिकमेंड नहीं करूंगी आपको इस चैप्टर के लिए ठीक है बल्कि मैं पूरे इन्वायरमेंटल साइंस के लिए कोई बुक रिकमेंड नहीं करूंगी हम इसी तरह से रिसोर्सेज में आपको बताऊंगी और वहीं से हम प्रिपरेशन करेंगे ठीक है दैट वुड बी द बेस्ट प्रिपरेशन ओके प्रपरेशन in अगर आप एक बार बैच में से गुजर जाए तो आप एक वीक में भी कर सकते हैं क्योंकि ड्यूरिंग द बैच ही आपकी फिफ्टी टू सेवेंटी परसेंट प्रिपरेशन हो जाएगी मतलब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है अभी तक मैंने जितनी बातें कही हैं मेरा ख्याल है वो यहीं बैठे बैठे आपको वो आपके जहन में बैठ गई है इसमें कुछ ऐसा सच याद करने वाली कोई ऐसी चीजें नहीं है ड्यूरिंग द सेशन ही आपको लगेगा कि आपकी फिफ्टी परसेंट प्रिपरेशन इज डन ठीक है तो बाकी एक हफ्ता आप लगा लेंगे तो एवरीथिंग विल बी फाइन अच्छा जी तो ये चैप्टर फाइव है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वेरी कंप्रिहेंसिव एंड वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल उसके बाद चैप्टर फाइव है जो कि है क्लाइमेट चेंज अब चैप्टर फाइव में आपको सिर्फ क्लाइमेट चेंज पढ़ना है अब बच्चे जो जिनका साइंस साइंस सब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं नहीं भी है, example, नहीं भी है फॉर एग्जांपल आपका आपने आउट किया लेकिन क्लाइमेट चेंज वाला टॉपिक आपको प्रिपेयर करना है हर सूरत फ्रॉम ऑल द परसपेक्टिव क्योंकि करंट अफेयर में इससे क्वेश्चन आता है पाकिस्तान अफेयर में इससे क्वेश्चन आता है जीएसए में इससे क्वेश्चन आता है ऐसे आप देख लें हर साल ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से रेलिवेंट टॉपिक पे आ जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे आ सकता है सस्टेनेबल इकोनॉमी पे आ सकता है फूड इनसिक्योरिटी पे वाटर इनसिक्योरिटी पे आप देख लें वाटर पे हर दफे ऐसे आता है कोई भी ऐसा इश्यू दैट इज लिंक्ड विद क्लाइमेट चेंज उस पर टॉपिक आ सकता है आपको फिर भी क्लाइमेट चेंज प्रिपेयर करना है तो हम इस सब्जेक्ट में एक पूरा चैप्टर क्लाइमेट चेंज पे प्रिपेयर करेंगे जिस पे आपको सारे टॉपिक्स पे बहुत अच्छा डाटा भी मिल जाएगा और आपके बेसिक्स भी क्लियर हो जाएंगे ठीक है तो इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ये बहुत ही अच्छा इसमें तीन चीजें हैं सिर्फ वट इज क्लाइमेट चेंज द फैक्टर्स बिहाइंड कॉजेज इम्पैक्ट एंड सोल्यूशन दट सेट ये भी बड़ा कम्प्रीहेंसिव है और हाँ बिल्कुल वो हम कवर कर लेंगे ना एस में भी कवर कर लेंगे क्लाइमेट चेंज में भी कवर कर लेंगे वाटर इंड सिक्योरिटी उसके बाद वो जो चैप्टर सिक्स है वो है गवर्नेंस पे अच्छा अब चैप्टर सिक्स और चैप्टर सेवन मैं इन दोनों की इकट्ठी बात करूंगी चैप्टर सेवन है ग्लोबल इनिशिएटिव्स पे ठीक है सही ये दो चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको ये बताएंगे ये चैप्टर सिक्स ये बताएगा कि नेशनल लेवल पे और चैप्टर सेवन ये बताएगा कि इंटरनेशनल लेवल पे क्लाइमेट चेंज को ग्लोबल वार्मिंग को या इश्यूज को एयर पोल्यूशन को कोई भी का है, उसको गवर्न करने के लिए यू you नो know, उसको कंट्रोल करने के लिए उसको एडमिनिस्टर करने के लिए वट आर द स्ट्रेटजीज वी हैव एट हैंड, है नेशनल पॉलिसीज क्या है हमारे पास इंटरनेशनल पॉलिसीज क्या है नेशनल एग्रीमेंट्स एक्ट्स कौन से हैं इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स एक्ट्स कौन से हैं सो दीज टू चैप्टर्स आर ऑल अबाउट एनवायरमेंटल गवर्नेंस गवर्निंग द एनवायरमेंटल डोमेन एट नेशनल लेवल एंड एट इंटरनेशनल लेवल ठीक है जिसमें बहुत सारे एग्रीमेंट्स भी हैं एक्ट्स भी हैं सो दिस इज बेसिकली गवर्नेंस रिगार्डिंग एनवायरमेंटल इशूज अच्छा, these two chapters are least important as well. अब हम ये थोड़े थोड़े से को boring और थोड़े से को और मुश्किल लगते हैं कि मतलब कैसे हम किसी पॉलिसी को प्रिपेयर करें एक्ट को प्रिपेयर करें अब मेरी इन चैप्टर्स को प्रिपेयर करवाने की स्ट्रैटेजी ये, ये है कि मैं आपको ये क्लास में ही प्रिपेयर करवा दूंगी मैं आपको सिर्फ दो से तीन पेजेस के नोट्स बनवाऊंगी जिसमें हम हर पॉलिसी हर एक्ट और हर इंटरनेशनल एग्रीमेंट को सेम रहेगा लेकिन जो कोर अचीवमेंट्स होंगी पर्टिकुलर पॉलिसी वो चेंज हो जाएंगी तो इस तरह से मैं आपको एक ही क्लास में ये पूरा चैप्टर प्रिपेयर करवा दूंगी ठीक है अच्छा इसके अलावा इस चैप्टर के तीन ऐसे टॉपिक्स हैं तीन अगर कभी इन एग्जामिन का दिल चाहे वो इस में से पूछे, अगर कभी भी चैप्टर सेवन में पिछले सात आठ साल में जब भी क्वेश्चन आया है वो इन्हीं थ्री टू फोर टॉपिक्स में आया है इन्हीं में से इसके बाहर टॉपिक अभी तक इन दोनों चैप्टर में नहीं आए हम so, हम उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे और बाकी चैप्टर का ओवरव्यू ले, ले लेंगे that, that will, towards, uh, जब हम, अच्छा, अब इसमें ये बच्चों मैं आपको कहां से ये सारा एनालिसिस दे रही हूं मेरे अपने चैनल पे यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो है पास्ट पेपर एनालिसिसमेंटल पास्ट पेपर एनालिसिस वो जरूर देख लीजिएगा आपके लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें मैंने 2015 से ऑनवर्ड हर साल आने वाले क्वेश्चन पेपर का अनालिसिस किया है कि हर साल क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन जो है किस चैप्टर से आ रहा है और किस टॉपिक से आ रहा है और एट द एंड हम कंक्लूड करते हैं कि कौन से चार इम्पोर्टेंट चैप्टर है और कौन से लेस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और लेस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में से अगर क्वेश्चन आता है तो किस टॉपिक से आता है ठीक है जी अच्छा उसके बाद लास्ट चैप्टर है चैप्टर एट जिसमें हम पढ़ेंगे एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अगेन आपको लगेगा कि हम ये सारे टॉपिक्स पहले पढ़ के आए हैं साइंस का सिलेबस सिलेबस इट इन 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 सेल्फ या विद द अगर हम देखें तो बहुत ओवरलैपिंग है क्योंकि देखें जब मैं आपको एयर पोल्यूशन पढ़ाऊंगी तो ऑफकोर्स मैं आपको एयर पोल्यूशन का सोल्यूशन भी वहीं पर पढ़ाऊंगी उसकी मैनेजमेंट साथ ही पढ़ाऊंगी लेकिन मैनेजमेंट में अगेन हम एयर पोल्यूशन का सोल्यूशन पढ़ेंगे तो टॉपिक ओवरलैप हो जाएंगे तो ये फिफ्टी चैप्टर आपका ऑलरेडी प्रिपेयर होगा बाकी कोई पांच से छह टॉपिक्स हैं वो हम इस चैप्टर में आके प्रिपेयर कर लेंगे इट आल्सो इम्पोर्टेंट चैप्टर अब अगर हम इसको कंक्लूड करें तो चैप्टर्स लिख लें देर आर फोर इम्पोर्टेंट चैप्टर्स फर्स्ट इज चैप्टर टू देन चैप्टर फोर देन चैप्टर फाइव एंड देन चैप्टर एट इसमें है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इशूज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ठीक है क्लाइमेट चेंज एंड लास्ट पे अगर हम देखें तो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट बेसिकली इट इज एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट एंड मैनेजमेंट तो हम इसको शॉर्ट करके ऐसे एनवायरमेंटल मैनेजमेंट लिख सकते हैं दीज आर द फोर चैप्टर्स सो हियर वी गोस ये वो फोर चैप्टर्स हैं जहां से आप अगर आप इनको प्रिपेयर कर लें बहुत अच्छे से तो आप एटी प्लस मार्क्स ले सकते हैं बिकॉज कुछ भी हो जाए इन चारों चैप्टर्स से क्वेश्चन मस्ट आएगा यहाँ से एक क्वेश्चन आता है ट्वेंटी मार्क्स का कोई इसमें एक्सेप्शन नहीं

एक क्वेश्चन टेन मार्क्स पे या फाइव मार्क्स पे नोट लाजमी होता है तो इस तरह से साइंस का पेपर बनता है अभी मैं आपको ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का पेपर दिखाऊंगी भी उसमें अगेन आपको पता चलेगा कि सारा पेपर इन्हीं चार चैप्टर्स में से आया हुआ ठीक है सो यही हमारी अप्रोच होगी इस इस सेशन में हम इन्हीं चैप्टर्स पे फोकस करेंगे और बाकी चैप्टर्स को ये सी है इसमें एक एस्पायरेंट की अप्रोच ऐसी नहीं हो सकती मैं ये नहीं कह रही कि हम सारा सिलेबस नहीं पढ़ेंगे मैं सारा सिलेबस पढ़ाऊंगी हम एक एक टॉपिक को कवर करेंगे ठीक है मैं तो अपनी तरफ से सारा लेकिन आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कुछ ऐसी होगी और यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो सी एस एस ट्वेंटी ट्वेंटी फोर के लिए रिमेंबर uh, मुझे अंदाजा नहीं सी एस एस स्पेशल का पेपर इससे कितना डिफरेंट आया लेकिन एनी हो मैंने पेपर देखा था एट दैट टाइम क्योंकि हमारी ग्रुप में डिस्कशन हुई थी दैट वेरी इंटरेस्टिंग पेपर अच्छा जी अभी हम पेपर देखें फिर Just one second. अच्छा बच्चों ये विजिबल है ये स्क्रीन पे मैंने खोला एनवायरमेंटल साइंसेज एस 2023 पास्ट पेपर इज इट विजिबल ठीक है अच्छा ये हमारी अपनी वेबसाइट पे ही है स्टडी रिसोर्स वेबसाइट से अच्छा ये देखें क्वेश्चन नंबर टू डिस्कस इन डिटेल द सैलियंट फीचर्स ऑफ पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1997 आई डोंट नो कि अगर मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ या नहीं लिख सकती अच्छा मैं टेक्नोलॉजी में अच्छी नहीं हो वो कहाँ से होगा अच्छा 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 ओके 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 ठीक है थैंक यू सो मच

ये अमेजिंग वंडरफुल क्वेश्चन है अगर आपने क्लाइमेट चेंज का चैप्टर प्रिपेयर किया हो या जैसे मैं करवाऊंगी क्योंकि हम क्लाइमेट चेंज को पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा डिटेल में देखेंगे एज कंपेयर टू इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट तो ये आपका क्वेश्चन आया है क्लाइमेट चेंज वाले चैप्टर में से जो कि चैप्टर फाइव है नेक्स्ट व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड हैबिटेट लॉस एंड ग्लोबल डाइवर्सिटी अमेजिंग बायोडाइवर्सिटी लॉस का क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन डिटेल ये आपका क्वेश्चन uh, आया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इश्यूज से बायोडाइवर्सिटी लॉस इसका टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी लॉस ये है चैप्टर आपका टू uh, मेरी आवाज क्लियर है मुझे मेरी आवाज ठीक है क्लियर है ठीक है अच्छा जी नेक्स्ट है व्हाट आर द व्हाट आर सस्टेनेबल अप्रोचेस फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज अ टॉपिक फ्रॉम एनवायरमेंटल पोल्यूशन एनवायरमेंटल पोल्यूशन वाला जो चैप्टर है वो है चैप्टर फोर ठीक है नेक्स्ट है व्हाट आर द मेन काजेस ऑफ बायोडावर्सिटी लॉस हाउ वी कैन प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व बायोडावर्सिटी अगेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इशू चैप्टर टू ठीक है नेक्स्ट है व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिस्क्राइब इट्स गोल एंड व्हाई इट इज ऑफन एसोसिएटेड विद प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट ओके हिस्ट्री वाले चैप्टर में से पहला ही टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का है सो इट इज हिस्ट्री और ये है वन. ठीक है, Next है चैप्टर ठीक राइट नोट ऑन टू ऑफ जी क्यूटो तो प्रोटोकॉल आपका आया है चैप्टर एट में से ग्लोबल इनिशिएटिव्स में से जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन एंड रिमोट सेंसिंग आपका आया है चैप्टर एट में से मैनेजमेंट तो में से सॉरी प्रोटोकॉल ग्लोबल इनिशिएटिव चैप्टर सेवन सिर्फ एक क्वेश्चन ट्वेंटी मार्क्स का ठीक है और चैप्टर सेवन में से सिर्फ एक नोट आया है फाइव मार्क्स का फाइव मार्क्स का होगा ये या टेन हाँ टेन मार्क्स का होगा टेन मार्क्स का बस इसके अलावा ये सब चैप्टर्स आपके सामने हैं और हिस्ट्री से इन्होंने एक चैप्टर कर मुझे चार सो so, ये, 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 चार। so, ये चारों क्वेश्चन उन्हीं चैप्टर्स में से आए हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स है इवन चैप्टर एट जो इन्वायरमेंटल से दो नोट्स हैं मतलब ट्वेंटी मार्क्स का पेपर चैप्टर एट में से आया है ट्वेंटी मार्क्स का पेपर चैप्टर फाइव में से और फोर्टी मार्क्स का पेपर चैप्टर चैप्टर में से आया डेवलपमेंट वाला वेरी इंपॉर्टेंट और ट्वेंटी मार्क्स का पेपर चैप्टर फोर में से आया सो चैप्टर टू चैप्टर फोर चैप्टर फाइव और चैप्टर एट अगर मेरे प्रिपेयर हैं तो मैं एक दो तीन चार पांच आ, पांच क्वेश्चंस में बहुत इजीली कर सकती हूँ मतलब हंड्रेड मार्क्स का पेपर मुझे ऑलरेडी आता था अच्छा हंड्रेड मार्क्स मैं इसलिए कहती हूँ हंड्रेड मार्क्स का नहीं होता आपको उसमें से सिर्फ हंड्रेड मार्क्स का अटेम्प्ट करना होता है जिसमें ट्वेंटी मार्क्स क्वेश्चन के लिए चले जाते हैं और एटी मार्क्स का आपको पेपर अटेम्प्ट करना होता है तो बेसिकली आपका जो पेपर होता है उसमें तीन क्वेश्चंस एक्स्ट्रा होते हैं सिक्सटी मार्क्स उसमें एक्स्ट्रा होते हैं तो हंड्रेड मार्क्स का पेपर मेरा प्रिपेयर है अगर मैंने सिर्फ ये चार चैप्टर्स ही किए हैं और अगर मैंने सात चैप्टर सेवन भी प्रिपेयर किया है तो...

डिस्पाइट द फैक्ट के हम हिस्ट्री वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे क्योंकि हम ही तो पढ़ेंगे ना पूरे सेशन मेंबल डेवलपमेंट ये है कि आपने इन्वायरमेंटल इश्यूज को भी टैकल करना है और अपने डेवलपमेंट को भी कंटिन्यू करना है ठीक है आप मुझे बताएं किसी का कोई क्वेश्चन है या नहीं बचा मुझे लगता है कि मेरी आवाज में डिस्टोर्शन नहीं क्योंकि बाकी सब कहते हैं नहीं है तो आप प्लीज अपने एंड पे चेक करें सो so, ये है जो साइंस का सिलेबस ये है इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स और पास्ट पेपर्स की अप्रोच भी आप देख सकते हैं so, सो और दिस इज माय हैंजी अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछे और प्लीज गिव ए फीडबैक अगर आई डोंट नो हमारे पास टाइम है या नहीं है आ, हम कोई अगर टॉपिक भी पढ़ना चाहें तो मैं आपको किसी टॉपिक पे भी आ, अभी कोई ना कोई छोटा मोटा एक लेक्चर दे सकती हूँ अपनी चॉइस का कोई टॉपिक देख लें आप सो टेल मी इफ देर इज एनी क्वेश्चन एनी क्वेरी रिलेटेड टू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या सिलेबस ऑफ इन्वॉर्मल साइंसेज या अगर आपको ओवरऑल इन्वॉर्मल साइंस में से कोई चीज समझ नहीं आए तो नहीं ये हॉस्पिटल वेस्ट टॉपिक अच्छा व्हाट इज दिस टॉपिक चाहिए कम अच्छा ओके ओके ऑलराइट आज टॉपिक ना कराऊं Um, one में कैसे करें। जब हम पढ़ेंगे ना सेशन में तो मैं आपको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखना सिखाऊंगी क्योंकि आई पर्सनली बिलीव के इंट्रोडक्शन कंक्लूजन और क्रिटिकल के बगैर आपको सी के किसी सब्जेक्ट में कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहिए बच्चे रेंडम क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं कि जी ये पकड़े क्वेश्चन जहाँ से स्टार्ट हो रहा है इसकी टांग आपने खुद ही पकड़नी है जिधर से पकड़नी है और ये यहाँ पे मैं अपनी मर्जी से क्वेश्चन एंड कर रहा हूँ आप अपनी मर्जी से जैसे एंड कर लें, ऐसे को पेपर अटेम्प्ट नहीं करना चाहे वो साइंस है चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट है कोई भी आई आर है हिस्ट्री है सोशल स्टडीज सोशोलॉजी जेंडर स्टडीज वट एवर द सब्जेक्ट इज अगर आप किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं

टॉपिक से इन्फॉर्मेशन आप ऐसे के टॉपिक में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं ठीक है मैं अभी आपको बता देती हूँ टू गेट स्कोर्स बट जो मैक्सिमम स्कोर आपके आएंगे प्रिपरेशन से आपकी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी से पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी का मतलब ये नहीं कि आपने पेपर में फूल बूटे लगा के आने हैं मार्जिन लाइन ड्रा कर देनी है और जब आपने एक क्वेश्चन खत्म करना है तो नीचे एक लाइन लगा देनी है और बोल्ड हेडिंग्स में आपने इंट्रोडक्शन लिख लेना नो मे, मेरे नजदीक जो मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ पेपर अटैम्प्ट्रेटेजी का मतलब है योर अप्रोच टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर मेरा आप लास्ट टाइम लेक्चर अटेंड करें तो उसमें आधा घंटा मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना ही सिखाया लास्ट में पूरा आधा घंटा या पौना घंटा मैंने सिर्फ स्टूडेंट्स को ये सिखाया कि आपने पेपर में क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करना है किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर अप्रोच क्या होनी चाहिए उसकी क्वेश्चन के स्टेटमेंट को ब्रेक डाउन कैसे करना है मार्क्स कैसे एलोकेट करने हैं इंट्रोडक्शन से कैसे स्टार्ट करना है कंक्लूजन पे कैसे एंड करना है इंफॉर्मेशन को सिक्वेज कैसे करना है इफ इट इज नेसेसरी अगर मार्क्स बहुत कम है और इन्फॉर्मेशन ज्यादा है लेकिन देना जरूरी है तो सिक्वेज कैसे करना है और अगर आपको लगता है कि यार ये दस नंबर का सवाल है और इसमें तो सिर्फ दो तीन पॉइंट्स हैं तो मतलब मैं इसको कैसे दो तीन पेजेस पे लेके तीन चार तो इन्फॉर्मेशन को एक्सपैंड कैसे करना है ये सारी चीजें मैंने सिखाई हैं लास्ट टाइम लेक्चर में आप यूट्यूब चैनल पे जाके तो वो अटेंड कर सकते हैं हाउ द इंटरनेशनल कम्युनिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाइमेट चेंज इज हुबल फॉर क्लाइमेट चेंज देन देर नॉट द इंटरनेशनल कम्युनिटी ओनली द नॉर्थ नॉर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज बिल्कुल हम सेशन के एंड पे एक मॉक पेपर ले लेंगे बच्चों ये बहुत ये से ये जो डिबेट्स है ये क्लाइमेट चेंज वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में होंगी क्योंकि मैं आपको ये भी पढ़ाऊंगी मिथ वर्सेस रियलिटी हम ये देखेंगे कि क्लाइमेट चेंज एक मिथ है या रियलिटी है हम ये देखेंगे क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है और जो रिस्पॉन्सिबल है उनको ठीक ठाक रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे भी क्योंकि मैं आपको फैक्ट्स प्रोवाइड करूंगी उसी की बेस पे फिर हमें फर्दर सोशल इकोनॉमिक टॉपिक्स को लेकर चलना होता है रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज तो ये वाली सारी डिबेट्स तो आपके सेशन में डिटेल से हो जाएंगी इनके बारे में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है आपको ठीक है आपको भी सिखाऊंगी सैयद वाई नॉट लास्ट पे एक क्लास होगी जिसमें हम सिर्फ पेपर अटेम्प्ट करना ही सीखेंगे लेकिन आप मेरा वो लेक्चर uh, भी देख सकते हैं यूट्यूब हाँ उस ग्रुप का uh, अच्छा ये देखे ये अब्दुल रहमान आपको बार बार लिंक शेयर कर रहे हैं यूट्यूब पे हाँ प्रोडक्शन कंजप्शन बेसिकली जो स्ट्रैटेजीज हमारी अप्रोचेस रही है ना हमारी जो ये बड़ी लंबी डिबेट है ये हम सारे करेंगे जिसमें हमारे फूड कंजप्शन पैटर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं ठीक है थेके? और किस तरह से कंज्यूम कर रहे हैं और हमारे लाइफ जिन ये कौन सा व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पे आप स्टूडेंट्स के साथ एंगेज होते हैं मुझे नहीं पता उस व्हाट्सएप ग्रुप का और पास्ट पेपर तो बच्चों आप गूगल पे जाए आप सी एस साइंस के पास्ट पेपर लिखे आपको सारे पास्ट पेपर आ जाएंगे अच्छा मैं आपके लिए एक आसानी कर देती हूँ अब्दुल रहमान कैन जो हियर मी हाँ अभी अनरजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए ना किसी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर करें और मुझे उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करें मैं जो भी ये चीजें मांग रहे हैं रिक्वायर्ड जो हम इनको आउट ऑफ द बैच प्रोवाइड कर सकते हैं वो मैं इनको प्रोवाइड कर दूंगी हमारा जो अनरजिस्टर्ड कैंडिडेट्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक अभी स्क्रीन पे शेयर कर दिया अब्दुल रहमान ने चैट बॉक्स में उसको प्लीज ज्वाइन करें मैं वहां पे आप आके उस ग्रुप में आके आप लोगों से खुद कांटेक्ट करूंगी ठीक है जब मैं ग्रुप में ऐड हो जाऊंगी तो मैं मैसेज ड्रॉप कर दूंगी डोंट वरी तो फिर आप लोग मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं और ग्रुप में भी आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ग्रुप में भी आप डिस्कस कर सकते हैं यूर इसके अलावा अभी किसी और का कोई और क्वेश्चन वेबसाइट लिंक अब्दुल रहमान इनको इनको एक मैसेज बता मुझे समझा दे इनको समझा दें कि ये वेबसाइट लिंक ये वेबसाइट पे जाके कैसे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है हाँ, जो हमारे रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स होंगे वो तो फिर हमारा क्लास का ग्रुप बन जाएगा ना वो तो अलग से ग्रुप होगा क्लास का फ्लो चार्ट और डायग्राम किस तरह से प्रिपेयर करें ये भी आपको सिखाऊंगी सिखाऊंगी अब तभी ना जब पेपर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सिखाऊंगी हाँ इट इज रीडायरेक्टेड प्लीज यूज दिस लिंक थोड़ा बहुत आपको तो मुझसे ज्यादा पता होना चाहिए टेक्नोलॉजी का अच्छा जी किसी और का कोई क्वेश्चन लास्टली आई वुड यू ऑल जो आपकी सक्सेस को डिफाइन करती है मैं मेरी यूट्यूब पर है और मैं हमेशा स्टूडेंट्स ये कहती हूँ की आपके प्रिपरेशन के अलावा आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का एक बहुत बड़ा हाथ होता है आपको अच्छे स्कोर्स दिलवाने में और आपके सक्सेस में क्योंकि जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होते हैं ना स्टूडेंट उसमें से सबने एवरेज मार्क्स से लेने होते हैं बहुत ऐसे रेर केसेस होते हैं कि आप करंट अफेयर्स में अस्सी नंबर ले लें या पाकिस्तान अफेयर्स में आपके एटी मार्क्स आ जाए या इस्लामिया में आप अस्सी नंबर नंबर ले लें वहां पे एवरेज ही चल रहा होता है पचास साठ पचास साठ ये वो सब लेंगे वो सब ने लेने हैं जो अच्छी तैयारी करेगा लेकिन ये ऑप्शनल सब्जेक्ट ही है जो आपको सात सौ साढ़े सात सौ तक लेके जाते हैं ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ही हैं जिनकी अच्छी प्रिपरेशन करके आप अस्सी नब्बे पचानवे बयासी पचासी नंबर लेते हैं तो अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट की सिलेक्शन पे फोकस करें वाइज जो है सिलेक्शन आपकी होनी चाहिए इस पे कंप्रोमाइज ना करें ये पीयर प्रेशर अकेडमीज में आपने इनरोलमेंट करा ली जो वो सब्जेक्ट ऑफर कर रहे हैं अच्छा बस इसकी ये बुक अकेडमी में अवेलेबल है तो इस एक बुक को मैं पढ़ लूंगा तो मैं इसका पेपर दे लूंगा कोई तो गेम नहीं आप खेल रहे अपने फ्यूचर के साथ आप नहीं खेल रहे टाइम इन्वेस्टमेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वक्त दोबारा नहीं आएगा तो फिर रिग्रेट होता है स्टूडेंट्स को कि यार मैंने वो सब्जेक्ट ऑप्ट किया होता मुझे ऐसा लगता है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट की सिलेक्शन पे आपको बहुत ज़्यादा कंसल्टेशन की और गाइडेंस की जरूरत होती है और वो अपने टीचर्स से लिया करें एक महीना दो महीने लगाएं लोगों से पूछें सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करें सिलेबसिस देखें स्कोरिंग ट्रेंड देखें उसको प्रिपेयर करने का तरीका उसका अच्छा टीचर ढूंढे मार्केट में और फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट को सेलेक्ट करें तो जो है इस ये बहुत ही आपके लिए फ्रूटफुल होगा ठीक है इनवायरमेंटल साइंस डिग्री बैकग्राउंड देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इनवायरमेंटल साइंस एंड जियोग्राफी जियोग्राफी इज साइंटिफिक सब्जेक्ट लिटल बिट जिसमें थोड़ा सा ओपिनियन बेस्ड जैसे जियोग्राफी का जो पार्ट टू पार्ट थ्री जिसमें ह्यूमन जियोग्राफी और कल्चरल जियोग्राफी इकॉनॉमिक जियोग्राफी आप पढ़ते हैं तो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है बट वेट इट कम्स टू फिजिकल जियोग्राफी जिसमें आप सारे वो क्लाइमेट चेंज या वैदर या इन्वायरमेंट के फिनमोनास पढ़ रहे होते हैं या लैंडस्केपिंग ऑल दैट तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है इट इट रिक्वाज हार्डवर्क बट इट इज स्कोरिंग सब्जेक्ट अगर आप किसी और सब्जेक्ट को पंद्रह दिन में प्रिपेयर कर रहे हैं तो जियोग्राफी के लिए आपको तीस दिन चाहिए हार्डवर्किंग से जियोग्राफी आपको बहुत अच्छे मार्क्स दे सकता है ठीक है अच्छा अब ऐसा है कि मैं अगर आपको ये एडवाइस दे रही हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं हर ऑप्शनल सब्जेक्ट में मैं कोई मतलब उसकी मैं वो नहीं हूँ मेरी कोई एक्सपर्टीज नहीं है मैं उनके बारे में आपको नहीं गाइड कर सकती मैं इन्वाइंस के बारे में आपको गाइड कर सकती हूँ कि ये तो हंड्रेड परसेंट सिलेक्ट करना है कोई और चॉइस नहीं ठीक है जी हाँ ये आपको एफ की वेबसाइट से मिलेंगे ना ठीक है एफ की वेबसाइट से आपको सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के स्कोरिंग ट्रेंड ये वो ये बड़ी रिपोर्टें पड़ी होती हैं स्कोरिंग ट्रेंड पे वैसे ऐसे इन के बेस पे बेशक ना ही जाए बता तो रही हूं कंसल्ट विद योर टीचर्स ना गाइडेंस लें ऑप्शनल सब्जेक्ट को तो सेलेक्ट करेंगे अच्छा स्टूडेंट्स अगर आपको कोई और क्वेश्चन नहीं है तो आई थिंक

इन इन क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहता है और वो वो क्राइटेरिया क्राइटे जिसपे हर ऑप्शनल सब्जेक्ट को पूरा उतरना चाहिए अगर वो एक परफेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट है आप वो वीडियो देख लें अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन प्लानिंग टाउन अर्बन पॉलिसी ये वो सब मुझे इनका इतना नहीं पता ये सारे सब्जेक्ट उन क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं तो आप ऑप्ट कर लें ठीक है उसके लिए आप वो वीडियो जाके देख लें पांच सात मिनट की वीडियो है ऑप्शनल सब्जेक्ट को ऑप्ट करने का क्या क्राइटेरिया है और साइंस उस क्राइटेरिया को कैसे फुलफिल करता है इस पर एक वीडियो है जिसमें बाकी सिलेक्शन सब, के लिए भी वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आई गेस वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे मंडे नहीं तो ट्यूजडे से हम स्टार्ट कर रहे हैं बस ये दो दिन बाद वीकेंड मतलब गुजर जाए तो फिर हम स्टार्ट कर ठीक है नहीं बिल्कुल नहीं थैंक यू सो मच मारे ठीक है स्टूडेंट्स जो भी व्हाट्सएप ग्रुप आपने अगर ज्वाइन कर लिया तो उसको मैं ज्वाइन कर लेती हूँ थोड़ी देर में और फिर वहां पे आपकी क्वेरीज भी मैं ले लूंगी और इनशाला सी यू ऑल इन क्लास ठीक है हमारा जो फॉर्मल बैच स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम मंडे और ट्यूजडे

वरना आपको एक टॉपिक हम पढ़ लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाता है ही अभी पता चल जाता है ऐसे थोड़ा से में कि हम बहुत डिटेल में डन uh, बस अब इसके बाद पढ़ने की जरूरत नहीं है दैट वुड बी माय स्ट्रैटी ठीक है

यू you नो know, मुझे ऐसा लगता है कि आफ्टर योर पेरेंट्स मुझे बहुत खुशी होती है जब स्टूडेंट्स इस तरह से, से कामयाब होते हैं स्टूडेंट की टीचर की सक्सेस बन जाती है और आप सबके लिए मेरी दिली दुआएं हैं वेरी वेरी यू नो गुड विशेज वेल विशेज आप ये सेशन ज्वाइन करें ना करें uh, आप अपने फ्यूचर पर इन्वेस्ट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट टाइम इन्वेस्टमेंट इमोशनल इन्वेस्टमेंट बहुत कुछ I really wish you good luck. Take care. Good luck to all of you. Okay, students. Take care in office.